आज आपको बताते हैं फायर फाइटिंग में जो ब्रीच इनलेट कनेक्शन होता है या फोर वे या टू वे कहाँ पे लगता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम फोर वे या टू वे किस जगह पे दें और क्यों लगाते हैं, उसको लेकर के बहुत सारा उनका क्वेश्चन रहता है। तो एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उनका कहना था कि सर आप फोर वे और टू वे पे थोड़ा वीडियो बनाइए, तो उन्हीं के कहने पे आज एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। जैसा कि देख रहे हैं, एक हमारा यहाँ पे फोर वे है, एक टू वे है, उसके बगल में एक हाइडेंट है, होज बॉक्स है और ये हमारी पूरी फायर की लाइन है। तो अभी फोर वे के लिए बता दूँ, ये फोर वे जो है सिंपल सा काम है फोर वे का कि इन केस अगर आपका फायर लाइन का, आपका फायर का वाटर टैंक का पानी ख़त्म हो जाए, अगर आपका फायर टैंक का पानी ख़त्म हो जाए तो जो बाहर से हमारा फायर ब्रिगेड का जो गाड़ी आएगा वो सीधे यहाँ पे अपना ये जो देख रहे हैं फोर वे है, इस कलेक्टिंग हेड में सीधे वो अपना कपलिंग कनेक्ट करेगा और यहाँ से ये देखिए इसके अंदर एक एनआरबी टाइप का ही होता है। यहाँ जब प्रेशर से पानी देगा तो ये सीधे जो कनेक्ट है हमारा यूजी टैंक में, अंडरग्राउंड वाटर टैंक में, उसमें सीधे पानी चला जाएगा और वहाँ से पंप को चालू कर करके और पूरा फ्लोर में पानी भेज सकते हैं। ये तो एक तरीका हुआ, ये फोर वे का काम हुआ। अभी टू वे हमारा डायरेक्ट हाइडेंट वाले में लगा हुआ है, डायरेक्ट जैसा कि देख रहे हैं पूरी हाइडेंट की लाइन है जो पूरी बिल्डिंग में फैली हुई है, उसमें हमारा टू वे लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पंप फेलियर हो जाता है, यानी पंप आग लग गई, चारों पांचों पंप कोई भी काम नहीं कर रहा, पूरा पंप जल गया, अभी हमें फायर फाइटिंग करना है तो कैसे करें, तो उस टाइम पे क्या है कि जो फायर ब्रिगेड का आपका जो गाड़ी आएगा वो सीधे यहाँ पे इसका कलेक्टिंग हेड है यहाँ खोलेगा और यहाँ से कनेक्ट करेगा और कनेक्ट करने के बाद यहाँ से बटरफ्लाई ऑन करेगा और पूरी फ्लोर में पानी फैला देगा। पंप आपका नहीं चल रहा है फिर भी यहाँ से पानी दे करके पूरा फ्लोर में आपका जो फायर को है उसको एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। तो ये टू वे है, यहाँ देखिए इसमें भी एनआरबी टाइप का लगा हुआ है, एक यहाँ पे बॉल वाल टेस्टिंग के लिए और यहाँ पर भी एक एनआरबी लगा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं एनआरबी लगा हुआ है, ये नॉन रिटर्न वाल जिसको बोलते हैं, ये हमारा इस साइड से पानी पूरी लाइन में जाएगी बट रिटर्न पानी नहीं आएगा, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, जैसा कि यहाँ पे डायरेक्शन देख रहे हैं लगा हुआ है, देख रहे होंगे सर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी। अब ये एनआरबी क्यों लगा है, इन केस अगर ये हमारा लाइन है जो फायर पंप रूम से कनेक्ट है तो अगर पंप चालू होगा, अगर एनआरबी नहीं रहेगा तो यहाँ से बटरफ्लाई अगर खुला तो सीधा पानी बाहर आने का चांस रहता है, उसके लिए यहाँ पर एनआरबी दिया गया है कि इस साइड से पानी जाएगा बट वो रिटर्न नहीं आएगा। अभी ब्रीच इनलेट कनेक्शन या फोर वे आप देखे होंगे बहुत जगह पे देखे होंगे कि स्प्रिंकलर लिखा हुआ है, स्प्रिंकलर फोर वे, हाइडेंट फोर वे, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक स्प्रिंकलर में कनेक्ट रहता है फोर वे सीधा स्प्रिंकलर लाइन में और दूसरा कनेक्ट रहेगा सीधे आपका हाइडेंट का लाइन में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक जो ब्रीच इनलेट है वो सीधे अंडरग्राउंड में कनेक्ट है जो हमारा वाटर टैंक है और दूसरा हाइडेंट में कनेक्ट है, यहाँ पर स्प्रिंकलर में कनेक्ट नहीं है। इसके जस्ट बाजू में आप देख रहे होंगे एक हाइडेंट लगा हुआ है, ये हमारा हाइडेंट यहाँ पे लगा हुआ है, उसके हाइडेंट का होज बॉक्स है, डबल डोर होज बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर दो होज पाइप है 15-15 मीटर का और एक नोजल है या ब्रांच पाइप जिसको कहते हैं। अभी इसको खोलता हूँ, इसका की है खोलने के लिए, तो इसको यहाँ से खोलिए, ओपन हो जाएगा, ये डोर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15-15 मीटर की दो पाइप है, 15-15 मीटर की दो होज पाइप है जिसका मेल फीमेल कपलिंग, एक साइड मेल फीमेल कपलिंग रहेगा इधर, हाँ तो ये देखिए यहाँ पे ये मेल कपलिंग है और इसको फीमेल कपलिंग बोलते हैं, मेल कपलिंग है फीमेल कपलिंग है, यहाँ ये सीधे आपका यहाँ से निकल करके और कनेक्ट हो जाएगा हाइडेंट में आकर के और ये जो ब्रांच है जो नोजल है वो दूसरी साइड कनेक्ट हो जाएगा फीमेल कपलिंग में कनेक्ट होके। और इन केस यहाँ पे दो क्यों दिया गया वो बता रहा हूँ, अगर आपका फायर थोड़ी दूर पे लगी है तो क्या होगा कि उतना दूर तक आपका एक 15 मीटर का ही पाइप है जा नहीं पाएगा, उस केस में क्या करते हैं दोनों पाइप को एक साथ कनेक्ट करके 15-15 मीटर 30 मीटर का 30 मीटर या उससे 30 मीटर तक आपका पाइप चला जाएगा और फिर आप उसके आगे जो भी फायर है उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ये हमारा देख लीजिए, उसको ये जो लोहे का आप देख रहे हो गार्ड दिया गया है, यहीं पे हमारा एंट्री डोर है, कोई गाड़ी का मूवमेंट हो टकरा जाएगा उससे बचाव के लिए यहाँ पे इसको गार्ड दे दिया गया है। और अभी लाइन में हमारा लाइन चार्ज है तो लाइन का प्रेशर अभी आपको 7 केजी दिख रहा होगा, लाइन का प्रेशर 7 केजी है और ये
पूरी फायर फाइटिंग हाइडेंट की लाइन है। अभी जो एक पॉइंट है, एक हाइडेंट पॉइंट से दूसरे हाइडेंट पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेट 30 मीटर यहाँ पर रखा गया है, 30 मीटर है। और यहाँ पे जो देख रहे हो नीचे, वो सीधे हमारा पंप रूम से आके कनेक्ट हुआ है पूरी लाइन में, और एक लास्ट में भी कनेक्ट है। तो ये एक रिंग टाइप का बना देता है, रिंग लाइन इसका नाम है, रिंग लाइन कोर्ट यार्ड पूरी कनेक्ट कर देता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फोर वे, और फोर वे देते कहाँ पे वो बता रहे हैं। फोर वे ज़्यादातर आप इंट्रेंस पे देते हैं, जहाँ आपका गेट एंट्री हो, जहाँ पे गेट एंट्री हो, यानी आसानी से आपका जब पानी ख़त्म हो तो फायर ब्रिगेड के कोई भी गाड़ी आए तो आसानी से कनेक्ट कर रहे हैं। अभी अगर आप लास्ट में दे दीजिएगा, वहाँ पे वैलिड नहीं है कि आप वहाँ पे दे सकते हैं, पीछे लास्ट में वहाँ पे गाड़ी भी नहीं जा पा रहा है तो कनेक्ट कैसे करेगा। तो इसको हमेशा इंट्रेंस पे दें, फोर वे को, टू वे को, इस तरह से बहुत जगह आप देखे होंगे थ्री वे, तो यही पर्पस इसका, टू वे की जगह थ्री वे भी लगा सकते हैं। ये सब NRV है, एक गन मेटल का है, देख रहे सब NRV है। NRV टाइप का ही होता है, जब इधर से पानी जाएगा तो ये ओपन होगा और उस साइड से पानी नहीं आएगा, क्योंकि ये उस साइड से आएगा तो ये रोक लेगा प्रेशर से, इस साइड से जब पानी जाएगा तब ये ओपन होगा। और यहाँ पे एक बटरफ्लाई लगा हुआ है, इसोलेशन वॉल, यहाँ से कनेक्ट करके बटरफ्लाई खोलिए, सीधे आपका अंडरग्राउंड में पानी चला जाएगा।